हेलो गाइस, चैट कैमरा अगेन। हेलो गाइस, हमारे भी तक्षे होते चैट को ऑल लोग सब चैनल एंड सीरीज। और आज हम जा रहे हैं पटौदी में, यहाँ पर हमने सुना है कि सैफ अली खान की कोर्ट है, वहाँ पे घूम देखते हैं। आज एक्साइटेड गाइस? यस। और हमने सोना रोड अभी क्रॉस करने की कोशिश की है, लेकिन फाइनली हमें बहुत अच्छा नज़ारा लगा, तो हमने सोचा कि वंश को एक बार दिखाएं। पीछे आप पहाड़ी देख सकते हैं, तो आज रात हम पटौदी में ही रुकेंगे। ये हमारे चैनल के न्यू मेंबर है पंकज भैया। आज हम पटौदी में ही रुकेंगे और वहाँ पे अगर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होगी या फिर वहाँ वीडियो बनाने का हमें कोई मौका मिलेगा तो हम वहाँ पे ही रुकेंगे और वहीं पे वीडियो बनाएंगे। अब हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि हमें जल्दी पहुँचना है और वहाँ पे जाके हम वीडियो कैरी ऑन करेंगे। बाय बाय बाय। हेलो गाइस, आई एम योर होस्ट अक्षय वशिष्ठ फ्रॉम चैनल एंड सीरीज। और आज हम यहाँ पे लोकेशन पे पटौदी, जैसे कि हमने डे वीडियो में आपको बताया था कि हम आज यहाँ पटौदी आए थे सैफ अली खान की कोठी देखने के लिए। और ये हन्नी है, एक बार फोकस करवाना चाहता हूँ, ये आज हमारे साथ है शूट पे। ये नानू कला गाँव से है पटौदी के अंदर, और इसने हमें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में बताया कि यहाँ पे अक्सर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है। हन्नी जी, इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में बताना चाहूंगा कि यहाँ पर 20 साल पहले या 80 साल पहले, जो हमें वीडियो के हिसाब से पता चला, 80 से 100 साल पहले यहाँ पर एक खंडर हुआ करता था। और कुछ रजनी स्टोरी थी इसके बारे में, क्या बताई थी उन्होंने? हनी भाई ने बताई थी हमको कि यहाँ पे एक मुसलमान फैमिली रहती थी इस हवेली में, उसने दो भाई रहे करते, तो एक बड़े भाई ने छोटे भाई को जायदाद के ऊपर उसका कत्ल कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे उस भाई की 10 या 15 दिन बाद एक आत्माएं भटकने लग गई। आत्माएं भटकने के बाद उसकी फैमिली ने यहाँ पे वो घर छोड़ दिया, तब से ये हवेली सुनसान हो गई है। यहाँ पे लोग कहते हैं कि यहाँ पे आना नहीं चाहिए रात को, लोग कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी आता है उसके साथ हादसे होते हैं, कोई दिखता है कभी छत पे दिखता है, कभी कोई जानवर दिखता है, ऐसा कुछ। वहाँ उस तरफ कोई है क्या? हाँ भाई, कौन है यहाँ पे? अरे एक सेकंड भाई, कुछ शूट चल रहा था, एक बार हमें कुछ पूछना था आपसे। आओगे आप? यहीं के रहने वाले हो? हाँ भाई। अपना नाम बताओगे एक बार कैमरे में? मेरा नाम भाई अक्षय, ईश्वर चौहान। ओके, ईश्वर और अक्षय। यहाँ पे मैंने सुना है कि मतलब कि कोई टाइम लिमिट है यहाँ पे आने की? हाँ भाई जी, यहाँ पे टाइम लिमिट है, 6 बजे के बाद यहाँ पे कोई नहीं आता। आप क्या कर रहे थे यहाँ पे? एक्चुअली एक शूट चल रहा है और आई थिंक टाइम यहाँ पे जो है कैमरे में हम दिखाएं एक बार, 12:30 कैमरे में टाइम है तो 12:30 बज रहे हैं जी, कैमरे में 12:30 बज रहे हैं। और हमें पता चला है कि यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो घटनाएं होती है, ऊपरी साया वगैरह कुछ ऐसे ही हवेली के अंदर। हाँ भाई, क्या स्टोरी थी कुछ बता पाएंगे कैमरे पे? स्टोरी भाई यहाँ पे बताते हैं, 80 या 100 साल पहले यहाँ पे दो परिवार रहते थे मुसलमान, उनमें जायदाद को लेकर झगड़ा हुआ, तो यहाँ पे मतलब बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी लड़ाई के दौरान। उसके बाद यहाँ पे कभी पायलें बजती है, कभी छत पे कुछ दिखता है, कभी कहीं कुछ दिखता है, कभी मतलब ऐसी एक्टिविटी होती है जिसे यहाँ पे कोई नहीं आता, तब से कोई नहीं जाता यहाँ पे। हाँ, कोई नहीं आता, 6 बजे के बाद कोई नहीं आता रात को, कोई अजीब अजीब सी आवाज आती है, कुछ दिखता है यहाँ। ठीक है, तो मतलब कि तो यहाँ पे कुछ है, यही बोलना चाहते हैं, गांव वाले भी यही मानते हैं, यही मानते हैं। ठीक है, एक बार हम एक काम करते हैं, जैसे हमें परमिशन मिली है, हम एक बार अंदर विजिट करते हैं, व्यूअर्स को दिखाते हैं, चैनल को दिखाते हैं। और व्यूअर्स, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट एंड शेयर। और अब हम अंदर की तरफ चलेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई। आपके रात को क्या करें भाई, चले जाइए, हम यहाँ से अपना शूट करके चले जाएंगे, जल्दी चले जाइए, थोड़ी देर में जा रहे भाई। तो हम अंदर का जायजा लेंगे, एक बार अंदर जाके हम देखेंगे ऐसा सही में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है तो हम उनको कैप्चर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे और इस लोकेशन को हम दिखाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे। जैसे अभी चैनल पे आपको बताया, हम धीरे धीरे उधर से यहाँ पे आए। और रजनीश, आप जैसे ही देखना चाहोगे, इसका मेन गेट है द्वार, जिसे बोलते थे उस टाइम में 50 जो बताया था हमने। सो आई थिंक मेन तो यही है कि 80-100 साल पुराना, अंदर चलते हैं धीरे 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 कैरी ऑन करना और ध्यान रखना कि कहीं पे लगना जाए। अगर कैमरे पे दिख रहा है या दिखा रहे हैं हम, तो फिर ये सोच के दिखा रहे हैं कि हम यहाँ पे जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है वो कैप्चर कर पाए। धीरे धीरे आगे,
उस साइड या फिर इस साइड? यहाँ पे रास्ता ही बनाना पड़ेगा। धीरे धीरे इतनी पुरानी जमीन हो चुकी है, देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पैर अंदर दब रहे हैं, इसकी वजह से हम ज्यादा आगे नहीं जा सकते, क्योंकि हमने जब दोपहर में यहाँ पे हम आए थे तो हमने देखा था छत गिरी हुई थी और यहाँ पे चमगादड़ है शायद, आई थिंक कोई नहीं चमगादड़ उससे तो आगे आ रहे हैं। अगर हम देख पाए तो यहाँ पे पूरा हिस्सा जो है पैरों में पैर अंदर धस रहे हैं, जिसकी वजह से जैसे कि छत गिरी हुई थी ऊपर की साइड, और हमने देखा कि अंदर को पहले के टाइम में क्या कहते थे उसे, तहखाना, जो अंदर की साइड होता था तहखाना तहखाना टाइप जो है। तो हम थोड़ा संभल के यहाँ पे खड़े रहेंगे क्योंकि हम उस तहखाने के अंदर ना जाए, वो मतलब बेसमेंट एरिया टाइप का जो होता है, यहाँ से कोई धस के अंदर ना चला जाए, इसलिए हम इसे ज्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे। और ये एक कमरा है जहाँ पे कहा जाता है कि अगर लोग यहाँ के आसपास से निकलते तो यही वो कमरा है जो बिल्कुल उस तरफ गली है और इन दोनों के बीच में दीवार है, और इस कमरे से चिल्लाने की आवाजें आती है। अभी वो चमगादड़ बैठा हुआ है, हम धीरे धीरे पीछे, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों ने आना बंद किया धीरे 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 पीछे। कैमरे पे फोकस रख के सब कुछ दिखाएंगे। यहाँ से एक बार रास्ता दिखाते हुए चलेंगे हम। ये जो पूरा रास्ता है ये पूरा घिरा हुआ है, यहाँ से जाने का रास्ता नहीं है, तो हम इस छोटी सी जगह से अंदर जाने की कोशिश करेंगे भाई, आराम से। हाँ थोड़ा संभल के, एक बार कैमरा दिखाना, आ जाओ आ जाओ भाई। ये तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, इस घर के अंदर पेड़ पेड़ हो चुके हैं, जिसकी वजह से ना अंदर जाने का रास्ता है और ना ही पीछे जाने का रास्ता है, मतलब यहाँ पे कहीं से भी कोई रास्ता नहीं है। अगर हम मेन हिस्से में आना चाहें तो यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं है जहाँ से हम बीच में जा जाए, क्योंकि यहाँ पे पूरे कांटे वाले पेड़ है। पेड़ के अलावा यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा हमको, तभी कैमरा थोड़ा आगे फोकस करो, यहाँ पे आगे एक बार लाइटनिंग के साथ थोड़ा फोकस कीजिए कि पूरा पेड़ से घिरा हुआ है बीच वाला हिस्सा। हम जा सकते हैं यहाँ पे इस कमरे में, आई थिंक उधर जा सकते हैं, एक बार चल के देखते हैं। जरा लाइट थोड़ी फोकस कर लें, थोड़ा सामान के ये भी एक कमरा, थोड़ा पैर आराम से, जहाँ पे सब कुछ ही काफी धस रहा है। जैसे कि अगर इस लोकेशन को देखा जाए तो देख के ही पता चल रहा है कि ये इतनी पुरानी है। इस कमरे को अच्छे से अगर फोकस करा जाए तो देखो कितनी पुरानी हो चुकी है। अब हम इस कमरे से बाहर जाएंगे और जो बाकी का एरिया है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। इस घर के सारे रूम अगर हम कवर कर सकते हैं वो चीज हम करेंगे। आई थिंक यहाँ से रास्ता है, क्योंकि जब दिन में हम आए थे तो इतना कंफ्यूजिंग नहीं था, लेकिन अब काफी कंफ्यूजिंग बन रखा है। चलो आगे चलो रजनी। क्या हुआ भाई? ऊपर से कुछ गिरा भाई, कुछ गिरा, गिरा कुछ ऊपर से आवाज आ, पीछे थोड़ा सा पीछे, आराम से भाई आराम से, ऊपर कुछ आया थिंक भाई। ये क्या था भाई? बस लाइट वगैरह फोकस वगैरह देख लो यार, कुछ है तो नहीं भाई? आगे 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 इधर से कॉर्नर से चल, फोकस करके दिखा दे जरा यहाँ पे। अभी इधर से कॉर्नर से चल के देखते हैं थोड़ा क्या गिरा ऊपर से। कोई साइन तो नहीं था?
क्या था, क्या गिर गया भाई? आई थिंक मटका है। भाई लगी तो नहीं तुम्हें? नहीं नहीं थोड़ा सा बच गया। खड़ा हो थोड़ा आगे फोकस करेंगे, ऊपर से भी कुछ गिरा है। चलो शायद सही में कुछ ऊपर से मटका वगैरह। ये भाई यहाँ से अपने आप ही काफी पुरानी चीजें गिरने लगी हैं। ऊपर से चलने की आवाजें आ रही है, पेड़ पे से हिलने की आवाजें आ रही है। पेड़ हिल रहे हैं अपने आप, यहाँ पे पेड़ हिल रहे हैं। अगर आप कैमरे में देख सके तो यहाँ पे अपने आप मूवमेंट्स हो रही है चीजों की। एक बार फोकस कर रहा ऊपर, उधर उधर फोकस कर रहे हैं एक बार। बस जैसा कि अभी आपने देखा अक्षयन में अभी बचे हैं, वो हांडी हमारे ऊपर गिरने वाली थी। वो मटका एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि किसी ने गिराया हमारे ऊपर ही था, या फिर ये चीजें जो हो रही है किसी ने हमें हर्ट करने के लिए, साइन देने के लिए कि अगर यहाँ पे अलाउड नहीं है तो ना हो, ऐसा कुछ हुआ जो काफी हर्ट कर सकती थी हमें। अभी भी आवाज आ रही है, फिर भी हम थोड़ा सा आगे चलेंगे कॉर्नर से, लेकिन कि अगर ऊपर से कुछ गिरेगा फिर हमें ना लगे कम से कम। आगे चलिए, क्या कभी इधर से कभी उस कमरे से कुछ गिर रहा है, फिर गिरा। आई थिंक गाइस ये यहाँ पे कोई गाइस आई थिंक यहाँ तो कुछ स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा प्लान और एक्टिविटीज हमारे साथ स्टार्ट हो चुकी है। आई थिंक यहाँ पे जो कहा जाता है कि यहाँ पे हरकतें होती है वो सही में होनी शुरू हो चुकी हैं। और ये जो ऊपर डाला देख सकते हैं आप, एक टहनी या पेड़ से आई थिंक ये टूट के नहीं गिरा। टूट के तो एक गिर ही नहीं सकता, और अगर कहीं पर रखा होगा तो किसी ने इसको फेंका ऊपर से। आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा कैप्चर ना करके हमें मेन मेन चीजें कैसे, कुछ आवाज सुनी? हाँ। या मुझे ही आई है? नहीं भाई मुझे भी आई है भाई। चलिए कर इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए इस कमरे की तरह दिखा। ऊपर आई थिंक कुछ है यार, या फिर फक आ गया, अजीब अजीब सी चीजें हो रही, कुछ है शायद। पीछे थोड़ा सा, पीछे थोड़ा सा, पीछे इधर ये कमरे की तरफ एक बार, इधर इधर हो जाए इस साइड से। वो पेड़ के वहां पे अपने आप मूवमेंट हो रही है। कोई हमसे मजाक कर रहा तो बता दो यार। यार कुछ है क्या वहां पे भाई? रात के 1 बज रहे हैं, कौन हमारे साथ मजाक करेगा? कुछ ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी आई थिंक। एक मिनट एक मिनट, इधर आ जाओ भी चैनल, अगर कैमरा इधर फोकस कर सकते हो इससे आगे बढ़ जाओ थोड़ा, इससे आगे बढ़ जाओ, इससे दूर जाओ। यार इस पे कुछ टंगा हुआ है शायद पेड़ पे, ये काला जादू किसी ने कर रखा हो। अब इस चीज को छोड़, हम यहाँ से थोड़ा इधर फोकस करते हैं। आई थिंक अगर कुछ था तो वो अपना साइन देके कि यहाँ से मूव करो, हम आगे थोड़ा मूव करते हैं और यहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं कि टाइम थोड़ा ज्यादा ना पड़ जाए। इधर फोकस कर थोड़ा, उस साइड से आवाज आ रही है, एक बार फोकस करोगे उस तरफ? ऐसा लगा भाई कुछ वहां से गिराया, किसी ने कुछ फेंका। ये अपने आप की आवाज आ रही है अपने आप। यार वहां मत जाओ, रुक जाओ, उस साइड अभी नहीं जा रही है। मुझे कोई है क्या उस तरफ भाई? पे चलना चाहिए ऐसे। आई थिंक गाइस यहां पे बहुत ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है। इस इतने हिस्से को हम शूट करते हैं, इतने हिस्से को, सिर्फ इतने हिस्से को शूट करके हम यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। फाइनली एक बार चलते हैं, अगर हम आइडिया लगा सके यहाँ तो ये रूम कह सकते हैं हम उनके, ये रूम लेने के लिए ये कुछ पता नहीं क्या है। यहाँ से सारी चीजें
बीच में कनेक्ट थी, बीच में कनेक्ट यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे भी वो एक मतलब ये ऐसा रास्ता है, यहाँ पे भी चीजें कनेक्ट हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, इस तरफ भी हो रही है, और ऊपर से पूरा ऊपर सिर्फ और सिर्फ बलवा गिर चुका है, पूरी पूरी छत यहाँ पे गिर चुकी है, ये ढह गया है, सब कुछ ढह गया है यहाँ पे। और यहाँ पे काफी अजीब सी फीलिंग आ रही है, नेगेटिव फीलिंग सी, जैसे पूरा हिस्सा जो था वहां पे बहुत गर्म था और यहाँ बहुत ठंडा है सब कुछ। धड़कने तेज हो रही है, उफ, ये कैसी आवाज थी, थोड़ा सा इस तरफ आ जाओ भाई, थोड़ा संभाल के यार प्लीज, थोड़ा संभाल के इस चीज पे, अगर एक चीज फोकस की जाए यहाँ पे, एक बार अंदर तक देखिए, फोकस करें भाई, लाइट क्या आवाज आ रही है जी, बीच अपने आप जहाँ पे बस हम रूम कह सकते नहीं कह सकते, ये भी रूम नहीं है, ये भी किसी चीज को कनेक्ट कर रहा है, इधर भी, इधर भी, एक बार फोकस कर रहे दोनों तरफ, बना हुआ है, थोड़ा अंदर ले जाके आप दिखाओगे, एक बार अंदर चल के देख, चलो आराम से एकदम से पैर से चल रहे हैं, इस चीज को थोड़ा फोकस करोगे, ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ कुछ है गाइस, अगर हम कह सके चलो ठीक है, यहाँ पे तो छत पे भी आप देखो झाड़, इतने सारे झाड़ उगे हुए हैं, इसे आप इसको देख के कह सकते हैं कितने साल पुरानी भाई आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है कोई ऊपर कूद रहा है, भाग रहा है। हम एक बार एक काम करते हैं, यहाँ से निकल के थोड़ा ऊपर फोकस करें भाई, चलते हैं लेकिन थोड़ा आराम से समझ के, क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूँ चलना चाहिए, मेरे को ऐसा लग रहा है पैर, हम पैरानॉर्मल एक्टिविटी या तो इस तरफ हो रही है, उस तरफ हो रही है, ऊपर की साइड हो रही है, कभी नीचे हो रही है, कैप्चर करना चाहते हैं जो चीज है यहाँ पे। चलो एक बार यहाँ से बाहर निकल के हम थोड़ा ऊपर की तरफ फोकस करते हैं कि ऊपर क्या है ऐसा, या फिर ऊपर कुछ है जो हम देखना चाहेंगे, कैप्चर हो सकते है नहीं हो सकते, बाहर की साइड आ लो, आराम से आना, थोड़ा देख के सर नीचे करके, एक बार जल्दी फोकस करना, अपने घर में भी ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाते हैं, तो यहाँ भी एक सीढ़ियां ऊपर जाने के लिए, देख के पता चल रहा है कितना कितने कोई तरह पुराना है, मलवा ध्यान रखा जमा हो के, और ऊपर से पता नहीं क्या क्या गिर रखा है, आराम से काफी चीजें फैली हुई है यहाँ पे, चलो एक बार ऊपर आराम से आना, आप लोग तुम भी देख के आना, दिल्ली की, मैंने सुना है ऐसी जगह पे काफी बिल्लियों की आवाजें आती है, बिल्ली की निशानी क्या इसमें लाइक मारो, चलो आपको देख सकते हो आप ये चीजें, सब कुछ तबाह और के ढह रखी है सारी चीजें, यहाँ पे आप देख लो इस वीडियो को, देख के पता चल रहा है बहुत पुरानी है, ऊपर से ऊपर तो चल यार मैं गिर जाऊंगा, यहाँ पे यही है रास्ता है कोई, जैसे यहाँ पे सब कुछ है, आई थिंक यहाँ पे कोई छत वत या कुछ हुआ करता था, गाइस अगर आप अच्छे से देख सको, आगे आगे फोकस करने के लिए थोड़ा आगे फोकस सुनो, देख सको यहाँ पे छत थी जो कि पूरी पूरी ढह चुकी है, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ अंधेरा सन्नाटा, थोड़ा सा ऊपर शूट करते हैं, ये क्या है, ये इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, थोड़ा पहले आराम से, मैं देखना चाहता हूँ ऊपर, क्या आप लाइट फोकस करोगे ऊपर, इसके ऊपर फोकस करिए, क्या है
भाई अशुभ होता है, छोड़ चलो हार्ट कुछ काला अजीब सा पता नहीं क्या मेरे कंधे पे आ गया ऊपर से देखते एक बार देख सकते हैं पे इस जमी हुई है। आप अच्छे से देख सको इसको, हम आपको लाइट से फोकस करके दिखाएंगे। ये छत देखो पूरी पूरी, ये छत पूरी की पूरी यहाँ से बीच में से ढा रखी है। आप देख सकते हो इस पूरी हवेली को, ऊपर से एक व्यू दिख रहा है कि पूरी हवेली पहले कैसी हुआ करती थी। आई थिंक यहाँ पे बहुत से हिस्से हैं। एक आइडिया लगा सके तो आप कह सकते हैं कि उस जमाने में बहुत अच्छी हवेली थी, आलीशान, पर ये आज आप देख सकते हैं एक खंडर के रूप में। और एक ये नीचे का हिस्सा दिखाइए, यहाँ से आगे बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और अगर फोकस करके देखा जाए तो ये ही लास्ट चीज है, और हमें यहाँ पे से ढहने की चलने की आवाज आ रही है यार, यहाँ से देखिए एक बार छत टूटी है यार। इससे आगे मत जाओ क्योंकि ढह रखी है और बहुत काफी कमजोर है, ये गिर जाएगी नीचे। आई थिंक हमें इधर फोकस करना चाहिए थोड़ा, और थोड़ा सा इधर आ जाओ रजनीश, थोड़ा सा सीढ़ियों से नीचे उतर आओ क्योंकि हम गलत जगह पे खड़े हैं, कभी भी ढह सकती है ये चीज। चले नीचे की तरफ चलते हैं। हम ये चेक करने आए थे कि ऊपर कुछ अजीब अजीब सी चीजें हो रही थी ऊपर से नीचे की तरफ, और अभी तक हमें कुछ ऐसा मिला नहीं है, लेकिन जो हरकतें हुई हमें उसे नकार भी नहीं कर नकारा भी नहीं जा सकता उन चीजों में। वापस निकलते हुए हम बाहर की तरफ चलेंगे, काफी चीजें हमने कैप्चर की, इतना काफी होगा क्योंकि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में इतना सब कुछ होना बहुत होता है। तो ऑब्वियस यहाँ पे कुछ ना कुछ है क्योंकि यहाँ पे आसपास भी आपने देखा होगा ऊपर कोई लाइट नहीं कुछ नहीं, अगल बगल में कोई रहता नहीं। यहाँ पे अपने दो जो दो भाई मिले जिनका नाम अक्षय और ईश्वर था, भाई आराम से ऐसा लग रहा था कि मेरा पैर खींचा, ऐसा लगा अचानक से मेरा पैर खींचा यूं करके। तो उन्होंने हमको बताया कि यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है, कभी कोई जानवर दिखता है, कभी उन्हें कोई इंसान, कभी आवाजें सुनाई देती है। हम बाहर निकलने के बिल्कुल कागार पे हैं, धीरे धीरे हम बाहर निकलेंगे सब कुछ कैप्चर करते हुए। लास्ट अगर कहा जाता है, अगर कहा जाता है कि यहाँ पे 80 या 100 साल पहले कोई हवेली हुआ करती थी, आलीशान महल हुआ करता, तो वो बात सच है। और अगर ये कहा जाता है कि यहाँ पे से आवाजें आती है, हरकतें होती हैं, तो वो भी बिल्कुल सच है, जो कि अभी कैमरे में रिकॉर्ड हुई कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो आप सब वीडियो में देख पाएंगे। अभी हम धीरे धीरे बाहर निकलेंगे, इस चीज को हम साबित भी कर सकते हैं पुरानी क्यों है, क्योंकि आज के टाइम में हम नीचे तो कुछ नहीं बनाते। और देखा जाए यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे अंडरग्राउंड, नीचे अंडरग्राउंड तो ये उसी टाइम में बना करते थे कि यहाँ पे लोग किसी से छिप सके, रह सके, जो भी उनके जूते होते थे उनका सामान रख सके उस चीज के लिए। यहाँ पे भी छेद हो रखे हैं काफी जमीन में। अब हम फाइनली बाहर जा रहे हैं और प्लीज फोकस करते करते बाहर आ जाइए। तो गाइस आपने देखा कि हम अभी अभी यहाँ से वापस आए, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हमारे साथ हुई जो कि आपने भी देखी, पर मेन चीज जो कैप्चर हम सोचे थे पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर हमारे साथ जो वो बहुत कुछ हुआ। जो साइंस होते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज स्पिरिट्स गोस्ट के, वो काफी हद तक हम कैप्चर कर चुके हैं। और क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटीज काफी बढ़ रही थी धीरे धीरे, ऐसा लग रहा था कि हम कहीं पे ज्यादा पैर रखेंगे कुछ चीजें ढह जाएंगी। जैसे आपने देखे कि छत पर बहुत कुछ पहले ही ऑलरेडी ढह चुका है, या फिर इस जो ये मलबा है पहले से ही ढह चुका है,
तो हमने ज्यादा अंदर घुसने की कोशिश नहीं की, ज्यादा जो बाहर का कैप्चर था वो हम कर पाए हम, और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को हम काफी हद तक कैप्चर कर पाए हैं। और फाइनली वीडियो के एंड में हम यही कहना चाहेंगे कि अगर यहाँ के बारे में कुछ अफवाहें हैं, कहानी है, तो वो बिल्कुल सच है, क्योंकि एक्टिविटीज कैमरे में भी कैप्चर हुई और हमारे आंखों में भी। तो हम यही चैनल से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर यहाँ पे अलाउड नहीं है 6 बजे के बाद आना, तो प्लीज ना आए, और अपना ख्याल रखें, चैनल की जो वीडियोज है उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।